दोस्तों, क्या आपने कभी ऑरेंज खाया है? अब आप ये सोच रहे होंगे, ऑरेंज किसने नहीं खाया है? तो मैं साफ साफ बोल दूं कि आपने अभी तक रियल ऑरेंज नहीं खाया है, तो कैसे? तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए लोग तरह तरह के सोल्यूशन ढूंढते हैं। वैसे ही 18 के ज़माने में गीले बाल को जल्दी सुखाने के लिए फ्रेंच स्टाइलिस्ट अलेक्जेंडर गोडफ्रे ने 1890 में दुनिया का पहला हेयर ड्रायर बनाया, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। फिर टाइम गुजरता गया और हेयर ड्रायर का इवोल्यूशन हुआ, फिर आज जाकर हैंड हेल्ड ड्रायर को यूज किया जाता है जो कि ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 2, किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्जिन में बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी होता है, पर एडवर्टाइजमेंट से बात ना बने तो ओनर यूनिक आइडिया अपनाते हैं। जैसे रेडबुल जब यूके में लॉन्च हुआ, तब रेडबुल ओनर ने सारे टीवी ऐड करके देख लिए, पर रेडबुल सेल अच्छी तरह से नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक यूनिक आइडिया को अपनाया। आइडिया ये था कि यूके के हर एक सड़क और डस्टबिन में रेडबुल का यूज़ किया गया हर एक कैंस को भर भर के फेंका जाए, जिसके चलते लोगों को ये लगा कि रेडबुल सब खरीदते हैं और उनके माइंडसेट में रेडबुल खरीदने के लिए एक पुश मिला, और ये आइडिया सच में काम किया। एज ए रिजल्ट रेडबुल का सेल 55% इंक्रीज हुआ। तो है ना ये अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने गन का साइलेंसर देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी टैंक का साइलेंसर देखा है? स्क्रीन पे ये जो इमेज है, ये टैंक का साइलेंसर है जो कि 20 डेसिबल तक साउंड डिक्रीज कर सकता है, और इसका प्राइस 75 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे क्वाइटेस्ट यानी शांत कमरा कहाँ है? ये एक्चुअली वाशिंगटन में है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स के अंदर ही है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो 60 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करता है, और जब विस्पर करते हैं तो 30 डेसिबल प्रोड्यूस होता है। 0 डेसिबल से नीचे आवाज़ आम इंसान सुन नहीं सकता। इस रूम का साउंड लेवल -20 डेसिबल है, क्योंकि इसके चारों तरफ फाइबर ग्लास वेजेस है, और इसके बाहर डबल इंसुलेटर स्टील है और 1 फुट थिक कंक्रीट है। ये सेटअप के चलते 99.9% साउंड एब्जर्व किया जाता है। अगर कोई बाहर टैंक को लेकर धमाका करे तो अंदर तक आवाज़ नहीं पहुंचता है। फैक्ट नंबर 5, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% इंडियंस अभी तक रियल ऑरेंज नहीं खाए हैं, क्योंकि हम जिसे ऑरेंज समझ रहे हैं वो एक्चुअली में रियल ऑरेंज नहीं है, वो टैंजरीन है, जो कि रियल ऑरेंज पोमेलो और मैंड्रीन के क्रॉस ब्रीड से जन्मा है। आप ये इमेज से साफ साफ देख सकते हैं टैंजरीन और ऑरेंज में क्या फ़र्क है। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।